प्रश्न, मनुष्य आजकल पशुता की तरफ बढ़ रहा है या मनुष्यता की तरफ? यह प्रश्न नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहने का अर्थ यह है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की लेखनी ने यह बात सभ्यता, संस्कृति और सभी चीज़ों को आदर्श के रूप में मानते हुए यह बात लिखने पर मजबूर हो गई कि आज मनुष्य ने अपने पुराने इतिहास के पन्नों को जिस बर्बरता से, जिस दरिद्रतापूर्ण, जिस तरह से रौंदा है, उस तरह से अमानवता, कदाचार, अनुशासनहीनता का प्रमाण मिलता है। अतः यह बात कहा जा सकता है कि बेशक ही शिक्षा का स्तर उतना ही ऊंचा क्यों न हो गया हो, लेकिन आज मनुष्य मनुष्यता की तरफ न बढ़ करके पशुता की तरफ ही बढ़ता चला जा रहा है। इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्नों में वह दिन जापान के लिए जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था, उस समय का यह जापान आज पूर्ण रूप से आज भी बर्बादी के कगार पर खड़ा हो उतरता है। आज भी हिरोशिमा में 5 या 2 या 10% बच्चे वैसे ही जन्म लेते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग। यह घटना इस बात को उजागर कर देती है कि मनुष्य में मनुष्यता नाम की कोई चीज अब नहीं रह गई है। अब वह बर्बरता की ओर, युद्ध क्षेत्र की ओर, हिंसा प्रवृत्ति की ओर और नकारात्मक सोच की ओर बढ़ रहा है। यह कहना उचित है कि शिक्षा का स्तर बेशक कितना ही ऊंचा क्यों नहीं हो गया है, मनुष्य मनुष्यता का मार्ग छोड़ करके वह पशुता के मार्ग की तरफ, हैवानियत और हिंसा प्रवृत्ति पर उत्तरोत्तर हो चुका है।